आई वुड लाइक टू से दैट पठान के बाद ये उम्मीद है कि लोग और ज़्यादा लोग थिएटर्स में जाए. मैं भी थिएटर गोइंग ऑडियंस का हिस्सा हूँ. मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं थिएटर में जाके एक पिक्चर को देखती हूँ, पॉपकॉर्न खाती हूँ या समोसा खाती हूँ और जस्ट एंटरटेन होके वापस घर जाती हूँ. तो यही उम्मीद रखती हूँ कि TJMM के साथ भी लोग आए, थिएटर्स में आए, एंटरटेन होके वापस चले जाए. श्रद्धा जी, आपकी बात की जाए अगर तो मतलब कि हम आपको बहुत ही कम उसमें देख रहे हैं, कम फिल्मों में देख रहे हैं, तो अब ऐसा है कब होगा कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में देख ये आप सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी 3 साल हो चुके हैं, कोविड हुआ था तो ऐसा कोई कॉन्शियसली मैंने डिसाइड नहीं किया था. कोविड हुआ, बागी 3 चल रही थी थिएटर्स में, फिर कोविड ने आके थिएटर्स को बंद कर दिया और हम सब के लिए, हम सब घर पे थे 2 सालों के लिए. तो फिर तू झूठी मैं मक्कार में भी वक्त लग गया क्योंकि कोविड किसी ना किसी को हो रहा था. तो ऐसा कोई इंटेंशनल नहीं था कि गैप वैप रखूँ, वो बस ऐसे ही हो गया. और ये डेफिनेटली मकसद है कि अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनूँ, अच्छे किरदार, यादगार किरदार करूँ, तो वो मकसद है. श्रद्धा, ये फिल्म का जॉनर काफ़ी टाइम बाद यू नो देखने मिल रहा है और खासकर जो बात हो रही है वो आपके और रणदीप की केमिस्ट्री को लेकर हो रही है. क्या बताना चाहेंगे, कितना मज़ा आया उनके साथ काम करने में और कौन सी क्वालिटीज़ जो है आप उनसे रिलेट कर पाई जिस तरीके से फिल्म में स्टोरी है उस हिसाब से? केमिस्ट्री ट्रेलर देख के जैसे आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली इनकरेजिंग है. मतलब ये फीडबैक जैसा होता है कि लोग शायद फिल्म भी देखने जाएंगे, लेकिन एक्टर्स का केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं होता, वो पूरा क्रेडिट होता है डायरेक्टर का. एंड उम्मीद है कि लोगों को थिएटर्स में भी पिक्चर रिलीज़ के बाद भी वैसा ही लगे कि फिल्म भी अच्छी है एंड दे इवन लव व्हाट वी हैव डन. अच्छा, आपके टाइटल की मैं बात करूं, फैमिली का क्या रिएक्शन है आपका कैरेक्टर देख के? वो भी बहुत एक्साइटेड है, बहुत, हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर वक्त. तो अभी तो मैं नर्वस हूँ, मेरे फिंगर्स क्रॉस्ड है और वो भी एक्साइटेड है कि मतलब मनोरंजन उन्हें मिलेगा फिल्म देख के. श्रद्धा जी, रॉम कॉम की बात की जाए अगर तो मतलब कि काफ़ी टाइम के बाद, जैसे उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम के बाद ये जॉनर देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी फेवरेट कौन सी रॉम कॉम मूवी थी? मेरी फेवरेट, सबसे फेवरेट, एक तो रोम कॉम मैं नहीं चूज़ कर सकूँगी, लेकिन इफ़ आई हैव टू थिंक, अगर मैं सोचूँगी कि फैमिली फिल्म, ये रोम कॉम भी और ये फैमिली फिल्म भी, आप अपने फैमिलीज़ को भी प्लीज़ लेके जाके देखिए. DDLJ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा. और हम दिल दे चुके हैं सनम बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे रोमांटिक फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड हाँ, ये हमारी फिल्म जो है वो रोम कॉम भी है और फैमिली फिल्म भी है. लव रंजन की फिल्मों की खासियत यही है कि उनको बिल्कुल पता होता है कि कॉलेज गोइंग ऑडियंसेस को, यूथ को क्या पसंद है. उनके डायलॉग्स इतने यादगार रहते हैं, किरदार इतने यादगार रहते हैं. एंड ट्रेलर के रिस्पॉन्स से ये लग रहा है कि जो भी डायलॉग्स भी ट्रेलर में दिखे, लोग बोल रहे हैं कि यू नो उनको याद है और वो एक्साइटेड हो रहे हैं. तो डेफिनेटली पूरा क्रेडिट लव रंजन को जाता है कि उनको पता है कि क्या एंटरटेनिंग होने वाला है सबके लिए. कॉलेज के टाइम पे कभी किसी आशिक ने आपके साथ मक्कारी की हो और उसे छुटकारा पाने के लिए आपको कोई झूठ बोलना पड़ा हो या कभी एक्सपीरियंस वाइज कभी ऐसा कुछ हुआ है? आई थिंक हम सब ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी झूठी या मक्कार से इंटरेक्शन हुआ है, कभी ना कभी किसी का दिल टूटा है. आई थिंक कि ऐसा कोई नहीं है कि जिसका दिल नहीं टूटा हो. तो ऑफ कोर्स मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है एंड मैंने मक्कारी एक्सपीरियंस की है एंड उसके लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी उससे निकलने के लिए. अच्छा. पर बस अगर आप एक्सपीरियंस करते हो कोई मक्कारी तो बस निकल जाओ वहाँ से. श्रद्धा जी,
इसके अलावा सॉन्ग्स की मैं बात करूँ, काफी अमेजिंग, ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। एंड ठुमका वाले गाने की मैं बात करूँ, इतना आपके डैड ने भी अपने एक वीडियो डाला था डैड के साथ, क्या कहना चाहोगे, गाने को इतना पसंद किया जा रहा है उसके बारे में, एंड आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है मूवी में? आपका आपके कौन से सवाल का जवाब दूं मैं, बस यही सोची तो एक तो मेरे डैड जो है वो पूरे रॉक स्टार है, जो वीडियो आप सब ने देखा इंस्टाग्राम पे, मैं आप सबको बता लूँ कि उन्होंने पहले ही टेक में कमाल कर दिया, लेकिन मैंने जब उस वीडियो को देखा मुझे लगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हूँ इसमें, तो मैंने हमने बहुत सारे टेक्स लिए उस रील को बनाने के लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी तो मतलब मैं कोशिश भी करूँ मैं मैच नहीं कर पाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट थे वो, मैं उनको रिक्वेस्ट करती गई कि एक और टेक करें प्लीज़, एक और टेक करें प्लीज़, मुझे और बेटर करना है, तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट थे मेरे साथ, हमने बहुत ज़्यादा टेक्स किए उस रील को बनाने के लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी तो बहुत कमाल की है और उनको इतना प्यार मिलता है, तो ये देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि लोगों ने उनको इस रील को इतना ज़्यादा पसंद किया है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब डैड का कुछ डालती हूँ और जो उनके बारे में कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि उनके इतने डाई हार्ड फैंस हैं, एंड ये क्या इतनी इंस्पायरिंग बात है कि इतने सालों बाद इतने डाई हार्ड फैंस होना, मतलब मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरा भी ऐसा कुछ हो लाइफ में। आई हैव टू से दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट, मेरे बहुत ज़्यादा लॉयल फैंस हैं और मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से किसी को मिलता है, तो हर रोज़ मैं अपने इंस्टा पे जाती हूँ क्योंकि वो एक तरीका होता है उनसे कनेक्ट होने का, मैं विश करती हूँ कि मैं सबको पर्सनली मिल पाऊँ, तो वो नहीं हो सकता, तो उनकी वजह से मैं इंस्टाग्राम पे और ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं अभी बोलती हूँ उनको कि कमेंट्स में मिलो, तो कमेंट्स में जाके उनसे बातचीत होती है, और डीएम में मिलो, डीएम में भी मैं बहुत उनसे बातचीत करती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, और इसको मतलब मेरी समझ के बाहर है कि इस लेवल का प्यार मुझे कैसे मिला है, मेरी समझ के बाहर है, और हर रोज़ मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ, हर रोज़ ऐसे ऐसी फीलिंग आती है कि थैंक यू सो मच, और ये फीलिंग आती है कि बस आप सबको प्राउड ही करती रहो। आई थिंक कि मैंने भी झूठ बोला है कई सिचुएशंस में, अगर मुझे कोई फिल्म नहीं करनी थी, और मैं इसलिए झूठ बोलती थी कि यार सामने वाले को हर्ट ना हो, तो वो सफ़ेद झूठ होता है या वो उस टाइप का झूठ होता है ना कि लोग इतनी मेहनत से लिखते हैं, स्क्रिप्ट आपको ऑफ़र करते हैं, फिल्में ऑफ़र करते हैं, तो हाँ मैंने बोला है झूठ उस मामलों में। मैंने ये सुना है सिचुएशनशिप के बारे में सुना है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यार सिचुएशनशिप क्या होता है। ठीक है, ये मेरी समझ के बाहर है, मैं जिस प्यार में बिलीव करती हूँ वो एक बिल्कुल जन्मों जन्मों का प्यार जो होता है, मैं उस टाइप के प्यार में बिलीव करती हूँ, फेरी टेल रोमांस जो होता है उस टाइप के प्यार में बिलीव करती हूँ, तो मुझे ये सिचुएशनशिप और वो सब नहीं समझ में आता। कौन सा दौर सबसे ज़्यादा आपको पसंद था, कि लेटर्स आपने किसी के लिए लिखे हैं? ऑफकोर्स मैंने लेटर्स लिखे हैं, मैंने कार्ड्स बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, और रिसीव भी किए हैं लेटर्स, तो वो बहुत प्यारा लव होता है। आप कितनी इमोशनली इन्वेस्टेड रहते हो किसी भी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, क्योंकि आई नो यू आर लिटिल सेंसिटिव इमोशनल एज अ पर्सन।
मेरे लिए जैसा मैंने कहा कि वो फॉरएवर वाला प्यार, मेरे लिए प्यार का डेफिनेशन वो होता है एंड मैं भी वही चाहूँगी खुद के लिए. सो 100% मतलब ऑल और नथिंग वाला प्यार. श्रद्धा, 4 साल पहले एक मूवी आपकी आई थी साउथ की, जो इतनी कमाल की रिस्पांस मिला था लोगों की तरफ से, एंड 4 साल बाद में आज एक सवाल मेरे मन में आया है कि आप साउथ इंडस्ट्री में फिर से कुछ मूवी करोगे, क्योंकि लास्ट 1 साल या 2 साल की मैं बात करूँ जिस तरह साउथ में मूवीज में प्यार मिल रहा है, एंड वहाँ के फैंस चाहते हैं कि आप फिर से वो इंडस्ट्री में आके एक मूवी करो जो हिंदी में भी आए, तो आप कुछ इसके बारे में कहना चाहोगे? डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो साउथ की फिल्में हैं उनका रीच बहुत कमाल का होता है और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग फिल्में वो बनाते हैं वहाँ पे. तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ मल्टीलिंगुअल फिल्म्स जो पैन इंडिया को अपील करें. डेफिनेटली अभी काफ़ी सारे हैं, अल्लू अर्जुन है, काफ़ी सारे, पर आप किसके साथ पसंद करोगे रोमांटिक मूवी? एक्चुअली चाहे वो साउथ फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो, मेरा हमेशा से अप्रोच ऐसा ही रहा है कि कहानी क्या है और मेरा किरदार क्या है. मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है. सेकंड होता है, अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी भी देखेंगे, मैं फिल्में वैसे चूज़ करती हूँ कि आप कहानी क्या है, मेकर क्या है, बैनर कौन सा है, हीरो कौन सा है, वो तो मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ. तो मेरे लिए इट्स ऑलवेज बिन अबाउट व्हाट द स्टोरी इज़ एंड व्हाट द माय रोल इज़ इन द फिल्म. मैं कल फैमिली के साथ होंगी, कुछ दोस्तों से मिलूंगी, बहुत सारा केक खाने वाली हूँ. मैं मेरा फेवरेट पाइनएप्पल केक खाऊंगी कल, और आई थिंक हम इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं कल, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं काम कर रही हूँ कल. मोस्टली मेरे बर्थडे जो है वो एक फिल्म सेट पे मैं सेलिब्रेट करती हूँ, जो मेरा बेस्ट बर्थडे रहता है. फिर पैकअप के बाद घर पे जाके फैमिली के साथ मैं सेलिब्रेट करती हूँ. तो कल इंटरव्यूज़, केक कटिंग, पाइनएप्पल केक, फैमिली के साथ टाइम, दोस्तों के साथ टाइम, और फिर परसों आई थिंक हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं प्रमोशन के लिए. मैं ये कहूँगी कि एक फैमिली फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, पॉपकॉर्न लेके आप बैठ के खा सकते हो, समोसा लेके बैठ के खा सकते हो और आप एंटरटेन हो सकते हो. तो अपने फैमिली को लेके जाइए, फ्रेंड्स को लेके जाइए और एंटरटेन होके आइए. श्रद्धा जी, कल आपके लिए पाइनएप्पल केक लाएंगे हम सब. अरे सो स्वीट, थैंक यू, थैंक यू गाइस, बाय बाय.